तो हम सभी देखते हैं कि गोकू का सामना एक ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से होता है जिसे गोकू जानता तक नहीं था, जिसके बाद गोकू उसे कैसे भी करके रोकता है। और तभी गोकू ये सारी ही बातें ज़ेनोसामा और ग्रैंड पीस को बताने के लिए ओमनी पैलेस की तरफ चल जाता है। और कुछ समय बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू ओमनी पैलेस में पहुंचता है, जहां पर गोकू को देखकर ग्रैंड पीस थोड़े से हैरानी के साथ कहते हैं, गोकू आखिर तुम यहां पर, वो भी इस समय पर। मैंने तुमसे कहा था ना, फिलहाल के लिए तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने यूनिवर्स में रहना चाहिए, तो आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट ये बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे यहां पर आना पड़ा। ज़ेनोसामा कहां पर है, मैं ये बात आप सभी को एक साथ बताना चाहता हूं। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के इन सभी बातों को सुनकर थोड़े से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, लगता है कि जो कुछ भी मुझे लगा था वो सब सच है ना गोकू, तो चलो ज़ेनोसामा के पास। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा के पास गोकू को ले जाते हैं। हम देखते हैं कि तभी गोकू उन सभी को ये सारी ही बातें बताने लगता है। दोनों ही ज़ेनोसामा और साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या आखिर भला ये कैसे हो सकता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो भी यूनिवर्स 14 का, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, न जाने कैसे ज़ेनोसामा, लेकिन मुझे भी काफी समय से बहुत अजीब लग रहा था और इसी कारण से मैंने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने यूनिवर्स की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन गोकू के साथ में जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने सोचा था वो सारी बातें शायद सच है। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ही जल्दी उस यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इरेज कर दूंगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं रुक जाइए ज़ेनोसामा, हमें फिलहाल के लिए नहीं पता कि वो अकेला है या फिर उसके कुछ और साथी भी हैं, हमें कुछ भी करके पहले सबके बारे में जानना होगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, शायद ग्रैंड प्रीस्ट एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं उससे लड़ रहा था उसने एक बात करी थी कि वो अकेला बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद हमें इन सब के बारे में पहले जान लेना चाहिए। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है गोकू, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो और पता करो इस बारे में कि आखिरकार वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ से आया है और इन सब के पीछे उनका क्या मकसद है, और अगर तुम्हें अगर हमारी मदद की जरूरत होगी तो तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ बटन है, तुम मुझे वहाँ पर बुला सकते हो, मैं उसी समय पर वहाँ पर आ जाऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है ज़ेनोसामा, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद गोकू तुरंत वहाँ से चले जाता है। दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय पर अपने यूनिवर्स के अंदर होता है। वो इस समय पर लॉर्ड बीरस के पैलेस पे होता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे वीस, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? जो सब देखकर वीस भी कहता है, हाँ वेजिटा, लगता है कि कोई है जो कि हमारे इस प्लेनेट में आ रहा है और वो काफी शक्तिशाली भी है। ये सब देखकर वेजिटा भी थोड़ा सा हैरान होता है और वेजिटा उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के ऊपर भी एक काफी बड़ा हमला आता है, जिसे देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि वही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोबारा वेजिटा के सामने आ चुका होता है। वेजिटा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हैरानी के साथ देखकर कहता है, क्या आखिर भला ये कौन है? मैंने इससे पहले इस तरीके के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर तभी वीस हैरानी के साथ कहता है, नहीं वेजिटा, ये तो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या बात है, लगता है कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बदल दिया गया है जैसा कि यूनिवर्स 6 का। जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यूनिवर्स 6 में भी गए थे, यानी कि कैकरॉट के पास? जिसके ऊपर तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 6 में भी गया था, वहां पर भी एक सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, उसकी ताकत वाकई में काबिले तारीफ थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो मुझे हरा सके। जो सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वो अपनी ताकत को अप करता है और वेजिटा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। जिसके ऊपर तभी जिसपे वीस कहता है, संभल कर वेजिटा, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शक्तिशाली है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है,
हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के वार से बड़ी आसानी से बचता है और वेजिटा पर एक काफी जोरदार हमला लगाता है जिसे वेजिटा ब्लॉक करता है। और वेजिटा कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है? तुम हमारे मल्टीवर्स के अंदर आके हमारे यूनिवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा दोबारा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के वार से बड़ी आसानी से बच जाता है और वेजिटा के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हमला करता है जिससे वेजिटा नहीं बच पाता। वेजिटा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी व्हिस कहता है, आखिर तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? तुम्हें तो बरसों पहले ज़ेनोसामा ने इरेज कर दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? जिसके ऊपर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है व्हिस, मैं यहाँ पर बीरस से मिलने आया था लेकिन बीरस मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ से शायद बहुत ही जल्दी चला जाऊंगा क्योंकि मैं तो आने वाली लड़ाई के लिए तुम लोगों को बस एक चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आया था। ये कहने के बाद वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हंसने लग जाता है। उसकी इस बात को सुनकर व्हिस और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी हम सभी देखते हैं कि वेजिटा बड़े गुस्से में उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक हाथ निकलता है और वो उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है। हम देखते हैं कि तभी ये सभी देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब अचानक क्या हुआ? वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहां पर गायब हो गया? हम देखते हैं कि व्हिस काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ व्हिस, आखिर तुम इतने ज्यादा हैरान कैसे हो? जिसके ऊपर व्हिस कहता है, नहीं वो पोर्टल, ऐसा लगता है कि मैंने उस पोर्टल को पहले भी कहीं पर देखा था और अगर वो वही है तो हमारे मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। हमें ये सारी बातें ज़ेनोसामा और ग्रैंड पीस को बतानी होगी। वेजिटा इन सभी बातों को सुनकर वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होता है, पर तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है। गोकू को देखकर वेजिटा कहता है, क्या कर रॉट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें इस समय पर अपने यूनिवर्स में होना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर यहाँ पर क्या सब चल रहा है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे मालूम है वेजिटा कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि गोकू सारी ही बातें वेजिटा को बताने लगता है। इन सारी बातों को सुनकर व्हिस और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, हमें मालूम करना होगा वेजिटा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ेनोसामा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, तो ठीक है क्या करॉट, हमें भी मालूम करना होगा कि आखिरकार वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है और कहां से आया है और वो भला जिंदा कैसे है, और साथ ही में मुझे उससे लड़ाई करते समय इतना तो मालूम चल गया है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकेला बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम शायद एकदम सही कह रहे हो वेजिटा, उसने मुझसे भी कहा था कि वो अकेला नहीं है। तो व्हिस तुम यूनिवर्स 7 का ध्यान रखना, मैं और वेजिटा कैसे भी करके उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता करते हैं। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा वहां से जाने लगते हैं, पर तभी व्हिस कहता है, लेकिन जरा संभल कर गोकू वेजिटा, क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक समय पर काफी शक्तिशाली था और अगर तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो मैं लॉर्ड बीरस को भी तुम्हारी मदद के लिए जरूर भेजूंगा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तलाश में। तो वीडियो खत्म करने से पहले, मुझे मालूम है कि ये पार्ट आने में काफी देर हुई होगी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने पहले चैनल को लेकर काफी ज्यादा बिजी चलता हूं और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं इस चैनल के लिए भी वीडियो लेकर आ जाता हूं। लेकिन आप सभी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके मैं इसका अगला पार्ट लेकर आ सकूं। और अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना और कॉमेंट भी ज़रूर से किया करो कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले पार्ट में।